हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे पत्ता गोभी और प्याज के पकौड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो प्याज लिए हुए हैं। प्याज को हम बारीक काट लेंगे और यहाँ पर हमने पत्ता गोभी को बारीक काटना है, तो इसे हम बारीक काट लेंगे। इसके बाद हम इसे धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। पत्ता गोभी को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसे बारीक कट कर लिया है। प्याज को भी हमने कट कर लिया है। पत्ता गोभी और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया पत्ती, एक कटोरी बेसन और ये सारे मसाले। अब यहाँ पर हमने लिया है पत्ता गोभी, इसमें डालेंगे हम प्याज जो हमने कट करके रखा है। इसके बाद हम डालेंगे कुटा हुआ अदरक। अब डालेंगे हम बारीक कटी हरी मिर्च। इसमें डालेंगे हम एक कटोरी बेसन। अब डालेंगे हम एक चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाइए। अब डालेंगे हम हरी धनिया पत्ती जो हमने बारीक कट करके रखी है, अच्छी तरह से हाथ से मिलाएंगे। थोड़ी थोड़ी पानी की मदद से इसका हम बैटर बनाएंगे। बैटर हमने तैयार कर लिया है और हमें थिक बैटर तैयार करना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, पकौड़े बना लेते हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो जाए, तेल गरम है तो अब हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में हम पकौड़ों को पलट लेंगे जिस अच्छी तरह से पक जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे पकौड़े भी अच्छी तरह से तल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी पकौड़ों को भी तैयार कर लेंगे। अक्सर बच्चे पत्ता गोभी की सब्जी नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से पकौड़े बनाकर उन्हें पत्ता गोभी खिला सकते हैं। पत्ता गोभी और प्याज के पकौड़े हमारे बनकर तैयार हैं। इसे आप टमाटर की चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ खाइए। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भी अपने घर में बनाइए। थैंक यू।